हेलो दोस्तों, आप ही के अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सुरेंद्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 3 मार्च को जो SSC CGL का पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन है। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिए। आपको बताइए SSC CGL का अभी 3 मार्च को स्टार्ट हुआ था पेपर, जिसकी फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट तीनों का मिलाकर मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का क्वेश्चन है कि ये सेकंड शिफ्ट में आया था, अजात शत्रु किसके पुत्र थे, यानी अजात शत्रु किसके पुत्र थे, यानी अजात शत्रु के पिता का क्या नाम था। तो इसके पिता का नाम था बिम्बिसार, बिम्बिसार का पुत्र था अजात शत्रु। अजातशत्रु मगध का एक प्रतापी सम्राट और बिम्बिसार का पुत्र, पिता को मार्ग राज्य प्राप्त किया था, अपने पिता की मृत्यु की थी इन्होंने। और अजातशत्रु उनके बचपन का नाम कुणिक था, अजातशत्रु का बचपन का नाम कुणिक था। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अजातशत्रु किसके पुत्र थे, तो राइट आंसर हो गया बिम्बिसार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नंदवंश के अंतिम शासक कौन थे, इसका राइट आंसर हो गया धनानंद। आगे है कि नंदवंश की स्थापना प्रथम चक्रवर्ती सम्राट क्षत्रिय महापद्मनंद ने की। इस वंश के अंतिम राजा थे धनंद। कोई अपदस्थ कर चंद्रगुप्त मौर्य राजवंश की स्थापना की थी। तो एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि नंदवंश के अंतिम शासक कौन थे, यानी अंतिम सम्राट कौन थे, शासक कौन थे नंदवंश के, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धनानंद नंदवंश के अंतिम शासक थे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पचासवां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 किसे दिया गया, ये पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर था अमिताभ बच्चन को। 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार अमिताभ बच्चन को दिया गया था, जो एक प्रसिद्ध एक्टर है। और पिछला 49वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार विनोद खन्ना को दिया गया था। तो आपको पता है फिल्म जगत में मिलता है ये पुरस्कार। नायडू 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को प्रदान करने के लिए यहाँ आयोजन समारोह में अमिताभ बच्चन को 50वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार सम्मानित किया था। एक क्वेश्चन आया था अभी SSC CGL में। चलो आगे चलते हैं, जल्दी से वीडियो पूरा कर लेते हैं। ब्रांड फाइनेंस नेशन रैंकिंग 2019 में भारत की क्या रैंकिंग है, ब्रांड फाइनेंस रैंकिंग होती है ना, उसमें भारत की 2019 में भारत की रैंकिंग क्या है, तो इसकी रैंकिंग है 7। 2018 में 9 थी, इससे कम होकर 7 हो गई है। एक नंबर में USA, चाइना, जर्मनी ये। और पांचवा क्वेश्चन, अमित शाह ने हाल ही में नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित कौन सी बुक रिलीज की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्मयोद्धा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों आपको पता है ये पुस्तकें हैं सभी, अभी नई नई पुस्तकें लिखी गई है, उनको याद करके जाइएगा, आपके लिए इंपोर्टेंट हो सकती है ये। तो ये कर्मयोद्धा है ना, नरेंद्र मोदी के लिए अमित शाह ने लिखी थी 7 जनवरी 2020 को। चलो आगे चलते हैं। अमित शाह ने हाल ही में नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित कौन सी बुक रिलीज की थी, तो ये होगी राइट आंसर कर्मयोद्धा बुक। तो आगे चलते हैं। विनेगर सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यानी सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एसिटिकम, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। आपको बता दें टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, आप याद कर लीजिए, शायद आ सकता है। सेब में मेलिक अम्ल पाया जाता है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। और इमली पूछ ले आपको, तो इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। और नींबू पूछ ले तो सीट्रिक अम्ल पाया जाता है, सीट्रिक नींबू में। सेब में आपको पता ही है, अभी बताया था मेलिक अम्ल, और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, और दूध में बता दें तो लैक्टिक अम्ल। चलो आगे चलते हैं। माधवपुर मेला
माधवपुर मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो ये क्वेश्चन आया था, इसका राइट आंसर था गुजरात में आयोजित होता है माधवपुर मेला। इसका उद्देश्य देश के विभिन्न हिस्सों प्रमुख रूप से उत्तर पूर्वी राज्यों को एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत एक दूसरे के निकट लाना है, यानी एक दूसरे के निकट लाना है राज्यों को। चलो नेक्स्ट, गुजरात का माधवपुर मेला अरुणाचल प्रदेश की जिस मिसमी जनजाति के से अपना संबंध रखता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर शेयर कर दीजिए दोस्तों, साथ से बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। चलो आगे, आठ नंबर क्वेश्चन आया था अरुणाचल, एक मिनट, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा का नए लोगो में क्या शामिल किया गया है? जिसका राइट आंसर था नए लोगों के राष्ट्रीय प्रतीक और फॉक्स टेल आर्किड यानी राइको स्टील स्टुआ राज्य फूल शामिल किया गया है अरुणाचल प्रदेश के लोग विधानसभा के लोगों में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 में हेतु भारत के किस घुड़सवार ने क्वालिफाई किया है? तो इसका राइट आंसर हो गया फुजद मिर्जा। चलो आगे चलते हैं, ग्यारह क्वेश्चन आया था ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो राइट आंसर है ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभयारण्य कर्नाटक के कोडगु जिले में स्थित अभयारण्य है, ये अभयारण्य केरल के अरलम वन्य जीव अभयारण्य के निकट है। तो आपको ये याद रखना है कि अरलम अभयारण्य केरल में, उसके पास में ब्रह्मगिरी अभयारण्य है, कौन से राज्य में? कर्नाटक में है ब्रह्मगिरी अभयारण्य। आगे एसकैंड 2020 समिट कहाँ पर आयोजित होगा हुआ था? तो राइट आंसर था केरल में आयोजित हुआ था। चलो आगे चलते हैं, एसकैंड 2020 समिट कहाँ, तो केरल में हो गया था। ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हेयर ऑन 9 and 10 January 2020। एसकैंड 2020 में 100 करोड़ रुपए से अधिक निवेश और 9000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार देने के साथ 18 मेगा परियोजनाओं का प्रदर्शन किया गया था। आपको बता दूं केरल का जिक्र हुआ है, तो आपको बता दूं केरल के मुख्यमंत्री का नाम है पिनराई विजयन और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। याद रखना है आपको, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन केरल के मुख्यमंत्री है और आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल है। चलो आगे चलते हैं, किस नियमानुसार दो आवेशों के मध्य दूरी बढ़ाने पर उनके मध्य आकर्षण बल कम हो जाता है? अगर सब बल है, सॉरी यहाँ पर बल निकल गया है, बल कम हो जाता है। तो कूलाम के नियम के अनुसार दो आवेशों के मध्य दूरी बढ़ाने पर उनके मध्य आकर्षण बल कम हो जाता है, यानी दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर विद्युत बल का मान उन दोनों आवेशों के गुण समानुपाती होता है तथा उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के वेतक अनुपाती होता है। तो आगे चलते हैं, एक ही क्वेश्चन पूछा गया था कि फेफड़ों यानी लंग्स के मध्य कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, यानी लंग्स के पास में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो राइट आंसर हो गया थाइमस। अगर आप पूछ ले तो मास्टर ग्रंथि कौन सी है, तो वो पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि है। तो कहाँ पाई जाती है, वो मस्तिष्क में पाई जाती है। और हेड मास्टर ग्रंथि पूछ ले तो हाइपोथैलेमस होगी, ये कहाँ पाई जाती है? तो पीयूष के ऊपर मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस पाई जाती है। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। चलो चलते आगे, थोरा बोरा पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर अफगानिस्तान में स्थित है थोरा बोरा पहाड़ियाँ। आगे देखते हैं, लाफिंग गैस कौन सी है? तो यह आया था नाइट्रस ऑक्साइड N2O है इसका रासायनिक सूत्र, नाइट्रस ऑक्साइड, और लाफिंग गैस कहते हैं, हंसी गैस हिंदी में बोले तो। 17 क्वेश्चन आया था, गेट ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष पूर्ण किया गया था, यानी गेट ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष पूर्ण हुआ था? तो 1924 में हुआ था। इसकी ऊंचाई 26 मीटर है और 85 फीट बोले तो। निर्माण कार्य शुरू हुआ था 31 मार्च 1913 को और पूरा हुआ था 1924 में। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो आपको बताया था 1924 में पूर्ण हुआ था कार्य, 26 मीटर है और
85 फीट का है। निर्माण कार्य शुरू हुआ था 31 मार्च और पूरा हुआ था 1924 में। वो निर्माण संपन्न हो गया था 1924 में। उद्घाटन हुआ था 4 दिसंबर 1924 को और प्रवेश द्वार का निर्माण राजा जॉर्ज पंचम और रानी मेरी के आगमन के यादगार में किया गया था। चलो चलते हैं आगे। विंग्स इंडिया 2020 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो विंग्स इंडिया 2020 12 से 15 मार्च 2020 तक हैदराबाद के बेगम पेट हवाई अड्डे पर आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन का नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फेडरल और इंडियन कॉमर्स मिनिस्ट्री FICCI द्वारा होगा। इस क्षेत्र के तेजी से बदलते गतिशीलता को जन्मजात मंच प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्याज में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल एसिड पाया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड प्याज में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेडी विलिंगडन पार्क कहाँ पर है? तो लेडी विलिंगडन पार्क नई दिल्ली में है। लोधी गार्डन को पहले लेडी विलिंगडन के नाम से जाना जाता था, वर्तमान में लोधी गार्डन नाम हो गया इसका। चलो आगे चलते हैं। वर्ल्ड चीज चैंपियनशिप 2018 कहाँ पर आयोजित की गई? तो ये हुई थी लंदन में, चैंपियनशिप रही थी मैग्नस कार्लसन। लास्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष बॉम्बे का नया नाम मुंबई रखा गया? तो 1995 में बॉम्बे का पूरा नाम मुंबई रखा गया था, पहले मुंबई था अब मुंबई हो गया है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी ऑन कर दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑन दिस वीडियो। जय हिंद। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो।